हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:48 और फिलहाल डमरू यहीं बैठा है और आज डमरू को गाइस नहलाया है और दादी जी भी यहीं बैठी है और डमरू देखो क्या फाड़ रहा है। मैंने इसके लिए बैठने के लिए बनाया था क्योंकि उसके कपड़े आज धो रखे हैं पर अब वो सूख गया और अभी आए 4 बजने आ रहे हैं लगभग और यहाँ आके बैठ गया था। और ये देख सकते हो यहाँ बाल्टी भी रखी है, पूरे में पानी उड़ता है, अभी सूखा है तो मैंने कहा थोड़ा जब पानी ख़त्म हो जाएगा तब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। और जब 4 बजे तक पानी सूखा तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और गाइज, आज है, जैसे आप सबको पता होगा, मतलब ये ब्लॉग तो शायद आप पे रात को ही आएगा, तो आज है गाइज क्रिसमस, तो आपको गाइज मैरी क्रिसमस। और आज थोड़ा सेलिब्रेशन भी करेंगे, मतलब तो एक केक लाएंगे गाइज छोटा सा और देखते हैं फिर उसका। मैं इसलिए आज मैंने कहा भाई आज ब्लॉग बनाया था कि कंटेंट नहीं मिल रहा था 2-3 दिन से मेरे को, जैसे आप ब्लॉग नहीं आ रहे थे तो अब कुछ मिला है। और फिर कुछ दिनों बाद ही न्यू ईयर मैं कहता हूँ न्यू ईयर भी है और उसके वहाँ उस टाइम भी हम केक लाएंगे, तो देखते हैं। और डमरू खड़ा हो गया भाई, तो हम देखेंगे भाई फिर अब केक लाएंगे भाई। अभी थोड़ी 5-6 बजे केक लाएंगे भाई, इस रात को काटेंगे और देखते हैं फिर आज क्या होता है भाई। और अभी तो फ़िलहाल मैं छत पर ही खड़ा था और अभी धूप भी जा चुकी है कम्प्लीटली, पूरी छत पर से कहीं पे भी धूप नहीं है भाई, आसमान आज बिल्कुल साफ है। और मतलब नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल हो रहे हैं, पर मैंने कहा यार बादल लग रहे हैं नीचे, अब जब मैं ऊपर आके देखा तो बादल नहीं हो रहे। बस अभी चलते हैं फिलहाल नीचे, और ये भी आ जाएगा हमारे पीछे, आ रहा होगा, नहीं आ रहा, बस आ जाएगा वो, तो हम चलते हैं गाइस फिलहाल नीचे। भाई डमरू ने अपना कपड़ा ही फाड़ दिया है पूरी टंकी तरीके से, देखो जैसी जैसी करके इन्हें फाड़ दिया भाई, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा भाई। इसमें हाथ उठ डालने का था, अब तो हाथ उठ वाला पता नहीं कहाँ गया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया भाई इसने। और अभी भी अब तक क्या ही कर सकते भाई, तो गाइस कुछ मेरा नया हेयर कट था आप देख सकते हो भाई, तो कैसा लगना भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई हेयर कट। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा कि अभी टाइम बच गया भाई 4:03 हो गया अभी देख सकते हो आप। और गाइस अभी मैं फ़िलहाल दुकान खोलता हूँ और फिर मैं गाइस आपको रात को ही मिलूँगा। तो गाइस जब तक के लिए बाय, और ये थोड़ा लॉन्ग ब्रेक होने वाला है भाई, तो क्योंकि गाइस अभी दुकान खोलनी है तो 4:15 तक, तो फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। तो गाइस जब तक के लिए बाय, गाइस जब केक आएगा मैं जब आपसे मिलूँगा और केक हम लाएँगे, मैं आपको दिखा दूँगा तो आप देखना। तो गाइस जब तक के लिए बाय, गाइस अभी टाइम हो रहा है फ़िलहाल आप देख सकते हो 7:21 भाई, और अभी बहुत बड़ा पपट हो गया भाई। मैं सडनली केक ला रहा था, मैं ले आया हूँ केक, मैं ऐसी बात नहीं ले आया भाई, मैं केक ला रहा था और भाई क्रिसमस में भी पोपट हो गया हमारा भाई, देख रहे हो मैंने डेली व्लॉग्स में भाई पोपट ही होता है, डेली भी नहीं गाइस कभी कभी मैं डालता हूँ, तो आज क्रिसमस था। और बताऊँ कैसा पोपट हुआ, मैं आपको केक की हालत दिखाता हूँ, केक फ्रिज के अंदर है और मैं केक की आपको हालत दिखाता हूँ लिटरली क्या हुआ, मैं आपको फिर बताता हूँ, पहले आप केक की हालत देखो। गाइस मैं फिलहाल लाइट भी ले आया हूँ क्योंकि इस वाले कमरे की भाई 2 लाइट थी, एक लाइट ख़राब हो गई है, तो एक बार चलाता हूँ और आपको केक दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई केक का क्या हो गया, ये क्या हो गया लिटरली गाइस देख सकते हो, ये देखो मैरी क्रिसमस उन्होंने लगाया था। और भाई बताता हूँ हुआ क्या, भाई मैं ला रहा था केक और गाइस वो मेरे हाथ से फिसल गया क्योंकि डिब्बा बंद ही नहीं था। ये देखो ये क्या हो रखा भाई, क्या ही हो रखा भाई, देख सकते हो पूरा ब्लैक वो था ब्लैक, अरे भाई क्या हो गया यार। हाँ गाइस केक का नाम ही बताता हूँ ब्लैक फॉरेस्ट था क्योंकि ये पूरा चॉकलेट से देख सकते हो भाई गजब, पर यार ये पूरा देख रहे हो 3 उंगली दबी हुई इसमें मेरी और एक अंगूठा और भाई ये 2 उंगलियाँ देख लो भाई क्या हुआ, इसे ही काटेंगे भाई कोई बात। गाइस अभी मैं उस वाले कमरे में इस हमारे वो देखो डमरू को इस हमारे केक के साथ, और उसे देखो भाई पागल हो गया क्या, उसे वो भी केक का शौकीन है भाई, पर नहीं खिलाना उसे गले में अटक जाता है। तो मैंने एक थाली और एक भाई चाकू मंगाया है, उसमें रखेंगे भाई क्योंकि ऐसे रखेंगे तो केक केक हो जाएगा। सो गाइस अभी इसे काटते हैं और भाई इधर दिखाओ और भाई हैप्पी क्रिसमस गाइस आप सबको भी गाइस, इसे भाई काटते हैं यार देख सकते हो यहाँ पे उंगली घुसी थी मेरी पूरे में, तो भाई देख सकते हो आप यार जैसे, ओ भाई आ गया भाई किसको खिलाओ। तो गाइस पहले आप डमरू को देते हैं, डमरू ही खाएगा, डमरू ले आया, तो ज़्यादा डमरू को खिलाते पहले
केक उठा लो भाई, लड्डू खाएगा नहीं तो बस अब नहीं। अभी पहले डम्बल को देते हैं भाई, ले आराम से खाइए, आराम से, हाँ आराम से। कई आवाज़ें निकाल रहा है, अजीब सी है, पहले इसे खिलाते हैं भाई। और कोई आना नहीं चाहता कैमरे में, तो मेरी गलती नहीं है, डमरू तो भाई हमेशा ही आता है आराम से। कैसे खा रहा है बढ़िया। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे रात हो तो गाइस, जब तक बाय। अभी हम हमारा डमरू को आके कुछ समझा, अबे दिख ही नहीं रहा। कोई नहीं, फ्लैश ऑन कर लेते हैं, फ्लैश ऑन कर ले, फ्लैश बस देख सकते हैं हम इसे यहीं पे घुमाते हैं रात को। एक्सीडेंट अगर सामने कोरा ही कोरा होगा, आप देख सकते हो सामने सामने भाई, फोन में इतना नहीं दिख रहा, इतना नीलम में है बस, बहुत कोरा होगा। और ये भाई बहुत तेज खींचता है भाई, घर घर पर थोड़ी लाइट नहीं, तो हम ज़्यादा आगे लेके ही जाते हैं। और देख सकते हो बस कितनी कम लाइट है, अब इसका पत्ता भी टूट गया है यहाँ से, देखो गाइस ये देखो पूरा यहाँ से टूट गया, ये तो ऐसे जुड़ा था, मतलब ऐसे पकड़ सकते थे, अब ये है ही नहीं, पूरा ये टूट गया है। और सामने कोरा ही कोरा भाई, लाइट ही दिख रही होगी इसमें ज़्यादा गाइस आपको घर में, गाइस जब तक ले भाई। तो गाइस जैसे आपने देखा कल हमने केक काटा, और फिर मैं गाइस सो गया था उसके बाद, केक काटने के बाद और खाना खा के फिर मैं सो गया, मैंने कहा ब्लॉग कल से उठा लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है गाइस 9:30 बज रहे हैं, और फिलहाल अभी मैं छत पर आ रखा था, और डमरू भी यहीं पे, और कपड़े फैल रहे हैं, और आज का मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ से सूरज निकल रहा है जिसकी धूप भी नहीं आ रही गाइस। सो आज के लिए इतना ही गाइस, सो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।